हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू बिकम ए गुड होम ट्यूटर्स। करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत सभी लोग करते हैं, बट आपने देखा होगा अपने आसपास में सफलता सभी को नहीं मिलती है। मेहनत हर कोई कर रहा है बट सफलता सभी को नहीं मिल रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो बात करने जा रहे हैं, टू पॉइंट्स का डिस्कस आप लोगों के साथ हम करेंगे, जिसमें हम आपको बता रहे हैं जो हमारा प्रोफेशन है, ये होम ट्यूशन टीचिंग का प्रोफेशन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त संजय प्रकाश। 1 to 10 एकेडमिक में अगर आप 1 to 5 के टीचर हैं या 6 to 10 के, इस 1 to 5 और 6 to 10 देखिए बात करने जा रहे हैं। 1 to 5 के लिए होम ट्यूशन टीचर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि हर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको क्यों रखा गया है? क्योंकि बच्चे की एकेडमिक जो है पूरी नहीं हो रही है, स्कूल से उसको जो होमवर्क दिया जा रहा है बच्चे को कहीं प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज के लिए आपको अपॉइंट किया गया है। तो आप कैसे होम ट्यूशन में किसी भी पेरेंट्स के यहाँ जाकर एक लंबे समय तक पढ़ा सकते हैं? पेरेंट्स आपकी मार्केटिंग करेंगे, पेरेंट्स 2-3 पेरेंट्स को बताएंगे कि आप हमारे यहाँ जो टीचर्स आ रहे हैं बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, ये सब कैसे संभव है? तो इसके लिए आपको हम टिप्स बताते हैं, उस टिप्स को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमने अक्सर देखा है होम ट्यूशन टीचर करते क्या है, होम ट्यूशन टीचर करते क्या है, बच्चों को गए और अपनी चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताना मैं चाहूंगा, देखिए अगर आप टीचर्स हैं और किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल की एक रूल्स होती है जिसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा, आपको नहीं रखा जाएगा। होम ट्यूशन टीचर में भी एक रूल्स होता है, ये रूल को पहले समझना होगा। तो रूल कौन बनाएगा? तो बच्चे के पेरेंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आप कभी भी ट्यूशन टीचर में जाते हैं किसी भी फैमिली में, तो सबसे पहले पेरेंट्स से मिलिए और पेरेंट्स के भाव को समझिए, पेरेंट्स क्या बोलना चाह रहे हैं। और अगर पीटीएम में गए थे तो पेरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम बताया गया, उसके बच्चे के क्लास टीचर ने क्या क्या प्रॉब्लम बताया, तो इन सारी बातों को आपको समझना होगा और एक रूल फिक्स करना होगा। तो रूल क्या होता है, देखिए जो एक कॉमन प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कॉमन प्रॉब्लम क्या देखा गया है कि बच्चे को स्कूल में पढ़ाया गया, स्कूल से बच्चों को एक होमवर्क दे दिया गया, और जब ट्यूशन टीचर जाते हैं तो ट्यूशन टीचर करते क्या है, बच्चों को एक अलग से होमवर्क दे देते हैं, पढ़ाएं अपना 2-4 मल्टीप्लाई डिवाइड हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस जो भी चीज पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद क्या होता है, एक अलग से होमवर्क दे दिया जाता है। अब एक बात बताइए, बच्चे मॉर्निंग में 8 o'clock स्टार्ट हो जाती है, बच्चे 2-3 बजे तक घर आते हैं, तो बच्चे के पास स्कूल से एक होमवर्क दिया गया, 5-6 पीरियड लगभग सभी स्कूल में पढ़ाई होती है, मान लीजिए बच्चों को 5 subject या 4 subject में बच्चों को होमवर्क दिया गया, 4 subject में जब बच्चों को होमवर्क दिया गया और जब ट्यूशन टीचर आए तो उस होमवर्क को न करवा करके वो टीचर पढ़ा करके एक अलग से होमवर्क दे दिए। अब वो क्या, बच्चा क्या करे, बच्चा क्या करता है, कभी ट्यूशन टीचर का होमवर्क इनकम्प्लीट, कभी स्कूल का होमवर्क इनकम्प्लीट रह गया, तो ये चीज को नहीं पूरा होने के कारण क्या होता है, बच्चों का परफॉर्मेंस उतना अच्छा स्कूल में नहीं आ पाता है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जब जाते हैं तो बच्चे के स्कूल के होमवर्क को सबसे पहले बच्चे का डायरी ओपन कीजिए, बच्चे को क्या क्या पढ़ाया गया उसमें डिटेल्स में मेंशन रहता है उसको देखिए, उसी चीज को रिवीजन करवा दीजिए, उसी होमवर्क को कंप्लीट करवा दीजिए। इससे क्या होगा जानते हैं आप, बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा, क्लास टीचर बच्चे को बहुत प्यार करेंगे, क्लास टीचर जो है बच्चे के बारे में कंप्लेन कर दिए, बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया, तो सबसे पहले होम ट्यूशन टीचर को मना करते हैं, टीचर बदल देते हैं। और ये चीज को अगर आप करते हैं, डियर टीचर्स, अगर आप ये चीज को करते हैं, बच्चों को होमवर्क अच्छे से करवाते हैं, बच्चों का क्लास का प्रॉब्लम जो भी है, बच्चे का जो प्रोजेक्ट है असाइनमेंट है सब चीज उसको क्लियर करवाते हैं, तो आपको एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको बार बार ट्यूशन आपका छूटेगा नहीं और वहां पर आप टिके रहेंगे, और तो और पेरेंट्स भी आपकी तारीफ कर देंगे, कहीं अगर अगल बगल में अपने नेबर्स में तारीफ कर दिए 2-3 के साथ, तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। आप एक जगह गए 2-3 ट्यूशन है, हमें पेरेंट्स क्यों बुलाए हैं, हम क्यों आए हैं, तो आपको इसका जवाब खुद से खुद मिल जाएगा, आपको बच्चे का होमवर्क कंप्लीट करने के लिए ही रखा गया है,
स्कूल से जो बची खुची पढ़ाई अधूरी है उसको कंप्लीट करने के लिए रखा गया है। मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ जाएं। और बहुत से टीचर हमारे संपर्क में ऐसे हैं जो आपको मैं बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो ट्यूशन हमसे नहीं लेते हैं। हमसे शुरू शुरू में एक साल दो साल तीन साल काम किए, आज हमारा उनका एक अच्छा रिलेशन है। सालों भर में वो हमें ही ट्यूशन दे देते हैं, साल एक देते हैं, कोई चार देते हैं, कोई पांच देते हैं। सर आप जाइए वहां पे पढ़ा दे, वहां पर भेज दीजिए टीचर। तो ऐसा तभी संभव है जब आप काम को अच्छे से करते हैं। तो इससे क्या होती है, आपकी भी इनकम बढ़ती है, हमारी भी इनकम बढ़ती है, आपकी भी परेशानी खत्म हो जाती है, पेरेंट्स की भी परेशानी खत्म हो जाती है, मेरी भी परेशानी खत्म हो जाती है।